आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा धनु राशि के मई 2020 के भविष्यफल की। इससे पहले ग्रह गोचर की स्थितियां बता दूं, बुध इस माह तीन राशियों पर संचरण करेगा। इस माह गुरु, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह वक्री होंगे और ये सारे ग्रहों की स्थिति राहु केतु के मध्य में ये संकेत देती है कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर अशांति का वातावरण रहेगा। अशांति यानी मानसिक अशांति, शारीरिक अशांति और आर्थिक अशांति, ये तीनों तरह की अशांति का सामना पूरे विश्व को करना पड़ेगा। अगर बहनों भाइयों आपकी धनु राशि है, कहने के नाम से आपकी धनु राशि है या जन्म की राशि से आप धनु राशि के हैं, तो तुला राशि के व्यक्ति आपके लिए अच्छे साबित होते हैं। और तुला राशि के व्यक्ति अगर कोई हैं और उनसे आप मित्रता करते हैं या व्यापारिक संबंध बनाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति से आपका भाग्योदय होता है, भाग्योदय में सिंह राशि के व्यक्ति का सहयोग आपको बहुत अच्छे लाभ देता है। मिथुन राशि का व्यक्ति आपका अच्छा व्यावसायिक साझीदार हो सकता है, आपका अच्छा पार्टनर हो सकता है। बस इस राशि वालों से अगर संबंध आप रखते हैं तो पारदर्शिता का पालन करना पड़ता है और बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए। मेष राशि का व्यक्ति आपका अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है। और कुंभ राशि के व्यक्ति से आपको अच्छे समर्थन का लाभ मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है। भले ही आर्थिक रूप से कुंभ राशि का व्यक्ति आपकी मदद ना करे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो आपका जरूर सहयोग करता है। ग्रह गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, इस माह सबसे पहले अगर आपके लग्न की बात करें तो लग्नेश आपका गुरु है और ये गुरु जो है आपके सुखों का भी स्वामी है। अब इसका जो द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, यद्यपि ये अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन शनि के साथ बैठा होने से नीच भंग हो जाता है इसका। अब इसकी उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो शोध कार्य में लगे हुए हैं, जो अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये गुरु बहुत अच्छे लाभ देगा। आपकी उम्र के लिए भी बहुत अच्छा ये साबित होगा, आपके यश के लिए, आपकी कीर्ति के लिए ये अच्छा होगा। आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और जीवन में जो उन्नति करना चाहता है तो उन्नति के लिए ये गुरु आपको सकारात्मक सोच देगा और इसी सकारात्मक सोच के कारण आपको सफलता मिलेगी। आपकी मित्रता का लाभ आपको मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति और पैतृक संपत्ति से जुड़े संसाधनों का आपको लाभ मिलेगा। आपके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, दान की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। वहीं आपको कुछ ऐसा भी महसूस होगा कि आपकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता बाधित हो रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। इस माह आपको चाहिए कि विशेष तौर पर अपनी माता और पिता का मान करें, सम्मान करें और किसी भी सूरत में उन्हें दुखी ना करें। अब भाग्य भाव के स्वामी की बात करें, आपका भाग्य कैसा साथ देगा, तो भाग्य भाव का स्वामी जो सूर्य है वो पंचम भाव में त्रिकोण में गोचर करेगा 14 मई तक। अब ये अवधि शिक्षा के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। आपका रुझान सत्कार्यों की तरफ बढ़ेगा, सेवा भाव आपके अंदर जागृत हो सकता है।
सेवा सत्कार, भोजन, वस्त्र आदि, इनका दान देने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यश कीर्ति की वृद्धि हो सकती है और इस माह आपके संचित पुण्य कर्मों का लाभ आपकी संतान को प्राप्त हो सकता है। व्यापार में हानि और लाभ दोनों तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। व्यापार में हानि और लाभ दोनों तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए परामर्श यह है कि बहुत सोच समझ करके व्यापार में निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। अब वही 14 मई के बाद सूर्य का गोचर अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। आपके शत्रु पराजित होंगे, सुखों की प्राप्ति होगी, बाहरी स्थानों से लाभ मिलेगा, खर्चा बढ़ा होने के कारण आपको ज्यादा कष्ट महसूस नहीं होगा, इतना भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको इस माह मिलने वाला है। पंचम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी मंगल की द्वितीय भाव में 4 मई तक की जो स्थिति है वो संतान के सहयोग से भाग्योदय का संकेत दे रही है। इसी मंगल की 5 मई के बाद जो स्थिति बनेगी वो विशेष भाग्य वृद्धि कराएगी। मुकदमों में, झगड़े झंझटों में आपको सफलता मिलेगी। पिता राज्य व्यवसाय किसी भी तरह का आप कर रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। अचानक आकस्मिक धन लाभ के अनेक अवसर इस माह आपको मिल सकते हैं। संतान का सुख सामान्यतः ठीक रहेगा, आपका पराक्रम भी ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि खर्च आपका जरूरत से ज्यादा रहे और इस अवधि में आपको चाहिए कि वाणी का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें और परिवार में, भाई बहनों में किसी तरह का विवाद न पनपने दें। व्यापारिक स्थितियां सामान्यतः इस माह ठीक रहेंगी। सप्तमेश और कर्मेश, ये बुध की 9 मई तक पंचम भावस्थ गोचर, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। संतान और गृहस्थी का सुख अच्छा रहेगा, व्यावसायिक उन्नति होगी और इस अवधि में आपके निर्णय, आपकी बौद्धिक शक्ति आपको अच्छे लाभ देगी। आपको समाज से भी सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। विदेशों से कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्टेड हैं तो वहां से भी धन प्राप्त होगा। 9 मई से 25 मई के बीच की स्थिति जो है वो धन अन्नादि वस्त्रादि का अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तम विचार, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का समय आपको मिल सकता है। 25 मई के बाद बुध की स्वग्रही सप्तम भाव में स्थिति ये संकेत दे रही है कि दाम्पत्य जीवन में और व्यवसाय में अच्छी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। आपको राज्य सम्मान मिल सकता है, आपको सारे घरेलू सुख आपको मिल सकते हैं, ऐश्वर्य का सुख मिल सकता है। वहीं खष्टेश और लाभेश यानी छठे भाव का स्वामी और लाभ का स्वामी शुक्र, इसकी छठे भाव में स्वग्रही स्थिति है, ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। शत्रु वृद्धि हो सकती है, साझीदारों के बीच में वैमनस्य पैदा हो सकता है या मति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, संतान से भी मानसिक परेशानी मिल सकती है, मानसिक आघात कष्ट दे सकता है और जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक हैं, उनको ये रोग परेशान कर सकता है। तो इस अवधि में लक्ष्मी चालीसा का यानी इस पूरे माह लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, गाय को चारा देना, ये लाभप्रद रहेगा। अब धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी शनि की बात करें तो द्वितीय भाव में स्वग्रही स्थिति है,
साबित करती है कि स्वपराक्रम यानी अपनी मेहनत से आप अपनी व्यक्तिगत आमदनी में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आकस्मिक धन लाभ पूरे माह होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। संतान और जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा, धन कुटुंब भूमि भवन का सुख आपको मिलेगा। इस माह आपको चाहिए कि हठ धर्मिता का त्याग करें और जो भी निर्णय करें सोच विचार करके करें। सट्टा लॉटरी अगर निवेश करते हैं तो उसमें भी बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। इस माह पूरे माह आपको गणपति मंत्र और गणपति जी की साधना ये अच्छे लाभ दिलाएगी। हिम्मत और साहस, इससे आप परेशानियों में सफलता मिलेगी आपको, तो हिम्मत रखिए और साहस दिखाइए। सुख शांति और शारीरिक सुख में थोड़ा सा कमी भी हो सकती है, आपको पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने खान पान में सुधार बना के रखें। व्यापारियों को एक लाइन में कहूं तो इस माह अच्छे लाभ कमाने के चांसेस मिलेंगे, पर अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो मादक द्रव्यों के सेवन से इस माह आपको बचना होगा, सतर्क रहना होगा, तो जीवन में अच्छे अवसर आप कैच कर लेंगे। यात्रा छोटी मोटी हो सकती हैं, उनसे भी लाभ मिल सकते हैं। कुछ तारीखें कम अच्छी हैं, 1, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 21, 28 और 29, ये तारीखें कम अच्छी हैं, तो इन तारीखों में थोड़ा सा आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, रोगों से बचे रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।